धनबाद झरिया कतरास मोड़ आईएसएल स्कूल के समीप झरिया केंदुआ मार्ग पर ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई। ट्रक चालक घटना के बाद मौके से फरार हो गया। सूचना पाकर पहुंची झरिया पुलिस को स्थानीय लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। मृतक का शव उठाने को लेकर उपस्थित लोगों ने विरोध जताया। बताते चले, बाइक संख्या GH09W1482 पर सवार दो लोग झरिया की ओर जा रहे थे। इस दौरान झरिया की ओर से केंदुआ की ओर जा रही ट्रक संख्या GH02Y3671 की चपेट में दोनों आ गए। घटना के बाद ट्रक चालक भागने में सफल रहा। बताया जाता है कि बाइक ट्रक के अगले हिस्से में फंस जाने के बाद करीब 100 फीट तक बाइक को घसीट कर ले गया। वहीं ट्रक लेकर भागने में असफल रहने पर चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। इस घटना में जहां एक व्यक्ति की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है दोनों बोकारो जिला के चंदन क्यारी के रहने वाले थे। झरिया विधायक प्रतिनिधि केडी पांडे, सूरज सिंह, पुत्र विधायक संजीव सिंह, समर्थक अखिलेश सिंह, पिंकू चौबे सहित कई लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जुटी रही। उधर परिजनों को भी सूचना दे दी गई है, पर पुलिस से शव को उठा लिया। इसे लेकर पूर्व विधायक संजीव सिंह के प्रतिनिधि रहे अखिलेश सिंह ने कहा, जब परिजन को सूचना दे दी गई, कुछ ही देर में परिजन आ जाए तो शव को उठाना चाहिए था, लेकिन विधायक पूर्णिमा सिंह के समर्थकों द्वारा शव को उठा दिया, जिससे जांच भी प्रभावित हो सकती है। ये कानूनन और मानवीय आधार पर बिल्कुल उचित नहीं है। धनबाद से अजीत कुमार की रिपोर्ट। यहाँ लगभग 45 मिनट पहले दो मोटरसाइकिल सवार युवक की एक ट्रक से धक्के में मौत हो गई है। एक का मौत तो ऑन स्पॉट हो गया था, एक की सांसें चल रही थी, तो इलाज के लिए हम लोगों ने स्थानीय नर्सिंग होम भेजा, जहां वो पहुंचते के साथ थोड़ी देर में वो डेथ कर गया। यहां पे ग्रामीणों का और सबका ये मांग था कि जो एक बच्चा वहां अस्पताल में मृत्यु जिसकी हुई थी, उसके परिजन को टेलीफोनिक खबर चली गई थी, वो चंदन कैरी के रहने वाले थे, उनके परिजन वहां से चल चुके थे। हम लोगों का यही मांग था कि जब तक उनके परिजन आते नहीं हैं, तब तक उस बॉडी को यहीं पे रहने दिया जाए, परिजन एक बार अपनी आंखों से देख ले कि घटना कैसी हुई है और उसकी सहमति से बॉडी उठाया जाए। परंतु पुलिस का दबाव था और स्थानीय विधायक जी के प्रतिनिधि जी आए और उन्होंने उस बॉडी को उठवा दिया। स्थानीय झरिया विधायक के प्रतिनिधि वो और पुलिस ने मिलकर बॉडी को उठा दिया, जबकि जो भी यहाँ पे आवश्यक कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए बॉडी को उठाने से पहले, वो भी थाना द्वारा नहीं किया गया। और हमको ऐसा लगता है कि ये मानवीय आधार पे भी सही नहीं है, जब उनके परिजन चल चुके थे और 15-20 मिनट में घटना स्थल पहुंच जाते तो बॉडी उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी बिना उनके आए। ये कोई लवारिस बॉडी तो थी नहीं। जब इसका नॉन हो गया कि ये लोग चंदन कैरी के रहने वाले हैं, इनके घर वाले वहां से चल चुके हैं, तो ऐसे बॉडी नहीं उठानी चाहिए थी। दूसरी है कि ये कानूनी रूप से भी सही नहीं है। घटनास्थल के जितने भी सबूत है वो आधे घंटे के अंदर से यहाँ से हटा दिए गए। ये तो जो जांच है उसको भी प्रभावित करेगा। तो ये दोनों जो काम हुआ है ये कहीं से भी मानवीय आधार पर सही नहीं है और कानूनी आधार पर भी सही नहीं है। जितनी हम लोग को जानकारी मिली है कि वो चंदन कैरी के रहने वाले हैं, जो यहाँ से 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पे है, और उनके परिजन वहाँ से चल भी चुके थे, तो मानवीय आधार पे पुलिस को इंतजार करना चाहिए था उनके परिजनों को आने का, उसके बाद बॉडी उठाना चाहिए था। क्या नाम आपका? मेरा नाम अखिलेश सिंह। दान निर्माण का भरोसा लाल स्टील GMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील GMG बार्स, रिश्ता मजबूती।